आसाराम को गुजरात के गांधीनगर की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आसाराम पर अपनी ही शिष्या से रेप का आरोप लगा था और अब इस मामले पर आरोपी आसाराम को दोषी करार दिया गया है। गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया। साल 2013 में सूरत की रहने वाली दो बहनों ने आसाराम बापू पर रेप के आरोप लगाए थे। इस हैरान कर देने वाले मामले में 7 आरोपी थे। बाद में सबूत के अभाव में आसाराम को छोड़कर सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और 4 महिला अनुयायियों ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा को भी आरोपी बनाया गया था। इन सभी को गांधीनगर कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आसाराम इस समय जोधपुर की जेल में बंद है। आसाराम को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। बता दें 2013 में सूरत की दो बहनों ने नारायण साई और उसके पिता आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। छोटी बहन ने शिकायत में कहा था कि नारायण साई ने 2002 से 2005 के बीच उसके साथ बार बार रेप किया। लड़की के मुताबिक जब वो सूरत में आसाराम के आश्रम में रह रही थी तब उसके साथ वहीं रेप हुआ था। वहीं बड़ी बहन ने शिकायत में आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने कहा है कि अहमदाबाद में आश्रम में आसाराम ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किए थे। दोनों बहनों ने पिता और पुत्र के खिलाफ अलग अलग मामला दर्ज कराया था। आसाराम बापू इस समय जोधपुर की एक जेल में बंद है। 2018 में जोधपुर की एक कोर्ट ने उन्हें एक अलग यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्हें 2013 में जोधपुर आश्रम में एक 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था। जेल में बंद आसाराम बापू ने हाल ही में कोर्ट से जमानत मांगी थी। जमानत अर्जी में आसाराम बापू ने कहा था कि वो पिछले 10 साल से जेल में बंद है। उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को उनकी जमानत पर आदेश जारी करना चाहिए ताकि उन्हें उचित इलाज मिल सके। अब जिस तरीके से गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने एक और मामले में उन्हें दोषी ठहरा दिया है, अब लगता तो नहीं है कि हाल फिलहाल में आसाराम बापू जेल से बाहर आ पाएंगे।